नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर रहा होगा हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो बेल आइकॉन भी क्लिक कर सकते हो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है, बताइए USISPF क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या थी ये हमें पता होनी चाहिए। थीम थी अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां हैं। तो USISPF की फुल फॉर्म क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। USISPF की फुल फॉर्म है द US इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस की यदि बात की जाए कि भारत के अंदर 5 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भारत के अंदर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस दिन हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था और उनका जो जन्म को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज़ादी के बाद पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, वह दूसरे राष्ट्रपति भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? तो हमारा आंसर रहेगा बाबर आजम पहले स्थान पर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी है। पाकिस्तान की बात आई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, और राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और सबसे बड़े नगर की बात की जाए या शहर की बात की जाए तो कराची है। तो इनका टॉप मतलब T20 रैंकिंग में पहला स्थान है। टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान भी शामिल हुए हैं। और T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ भारतीय जो खिलाड़ी हैं वे सिर्फ 2 शामिल हुए हैं टॉप 10 में। तो इनमें से KL राहुल का 2रा स्थान रहा है जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का 10वां स्थान रहा है। ICC की बात आई है तो ICC की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ICC की शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में। चलो इस क्वेश्चन में इतना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है? तो हमारा आंसर रहेगा ताइवान। ताइवान की सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के यात्री को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। तो ताइवान का नाम आया है तो ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ पर जो मुद्रा है वो है डॉलर। और यहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति है साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर रहेगा मिशन ज्ञान के साथ। शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में RBSC और CBSE का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो वीडियो में होगा, मतलब RBSE व CBSE का। तो हम इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? तो हमारा आंसर रहेगा कर्मयोगी योजना। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत उर्दू, कश्मीरी, डोंगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो हमारा आंसर रहेगा उज्जैन में हुआ है ये घटना, कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली जो बेंच है उसने ये फैसला सुनाया है कि पंचामृत नहीं चढ़ा जाएगा महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर। क्यों नहीं चढ़ा जाएगा? क्योंकि इसका संरक्षण करना है। तो उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और पंचामृत के अंदर कौन सी सामग्री होती है हमें ये भी पता होना चाहिए। पंचामृत में सामग्री होती है दूध, दही, मधु, धृत और गन्ने का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर रहेगा 75 साल में पहली बार ऐसा होगा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से ये आयोजन होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का मेजबान देश है और इस साल ट्रंप एकमात्र वैश्विक नेता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा किया है। बांग्लादेश के कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को अपने जीवन काल में संपत्ति को बेचने का अधिकार होगा। अदालत के निर्णय के बाद महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। तो हमारा आंसर था बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। और एट प्रेजेंट यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है एट प्रेजेंट अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह गेम ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के लिए के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 वर्ष की सजा होगी। यह आंध्र प्रदेश सरकार का ये फैसला है। बात आंध्र प्रदेश की आई है तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश के एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है? YS जगमोहन रेड्डी। और राज्यपाल की यदि बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल पाई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो ताकि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।